हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सत्तू के पराठे की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये रेसिपी को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट रेसिपी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सत्तू के पराठे को बनाने के लिए हमें लेने होंगे गेहूं का आटा, 2 कप सत्तू, प्याज बारीक कटी हुई, लहसुन बारीक कटे हुए, अदरक बारीक कटी हुई, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अजवाइन और मंगरेल, आम का अचार, नमक स्वाद अनुसार, मस्टर्ड ऑयल और रिफाइंड ऑयल। सत्तू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंदकर तैयार करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, अब 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और मंगरेल, अब 1 टेबल स्पून लगभग रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें इसे सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि आटे में अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। अब हम इसमें पानी डालते जाएंगे और आटे को गूंथते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर आटा गीला हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये आटा गूंथ चुका है। ये ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना ही ज़्यादा हार्ड है। तो अब इसे कवर करके 10-15 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट होता है तब तक हम पराठे के लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सत्तू में ये बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। अब हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे, अब बारीक कटी हुई अदरक भी डाल देंगे, अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अब अजवाइन और मंगरेल 1/2 टेबल स्पून और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अब इसमें आम के अचार डाल देंगे 2। तो अब इसे सत्तू में अच्छे से मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ों को एक दूसरे में अच्छे से मिला देंगे। तो अब ये सत्तू की स्टफिंग रेडी हो गई है और आटा भी गूंदकर रेडी है। तो अब हम इसका पराठा बनाएंगे। तो अब हम पहले इसमें से एक लोई लेंगे और इसे गोल कर लेंगे। अब सूखे आटे में लपेट लेंगे और इसे बेल लेंगे पूरी के साइज के बराबर। अब हम इसमें सत्तू का स्टफिंग डालेंगे। ज़्यादा स्टफिंग नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर पराठे फट सकती है। तो अब इसे उठाकर इस तरह से धीरे धीरे बंद करते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम फिर से सूखे आटे में इसे लपेट लेंगे और फिर बेल लेंगे। हमें इसे हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है।
तो ये देखिए, अब ये पराठे बनकर बिल्कुल रेडी है, तो अब इसे हम सेक लेंगे। उसके लिए हम गैस ऑन करके ये कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, और गर्म होने के बाद हम इसे डाल देंगे और इसे नीचे साइड से हल्का सा सेक लेंगे कुछ आधे मिनट के लिए। अब इसे पलट लेंगे और ये साइड भी सेक लेंगे। अब हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल लेंगे दोनों साइड से, और इसे ब्राउन स्पॉट्स आने तक इसी तरह से पलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए, अब ये दोनों साइड से पराठे अच्छे से सिक गई है, कलर चेंज हो गई है और अच्छे से पक भी गई है। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम बाकी के पराठे को बेल कर सेक लेंगे। तो ये हमारा सत्तू का पराठा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म। तो अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय।